हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराइटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। आज की जो भर्ती है मध्य प्रदेश नेशनल फर्टिलाइजर नया भर्ती दोस्तों यहां पर निकाली गई है, मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है यहां पर जारी हो चुका है। आवेदन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको आवेदन करना पड़ेंगे ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपको करना पड़ेंगे अप्लाई, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कहाँ से करना। नोटिफिकेशन डाउनलोड और चयन प्रक्रिया कह रहने वाली है, आयु कह रहेगी, योग्यता कह रहेगी। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, चैनल पे आप लोग नए चैनल को नए सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहां से मिल सके। तो चलिए चलते हैं पोर्टल पर, देख लेते हैं। पहले तो आप लोगों का जाना गूगल पर, यहां पर लिखना नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। जैसे आप लोग लिखोगे आपके सामने जाएगी फर्स्ट लिंक, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपका NFL रिक्वायरमेंट, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका जो होम पेज है हमारे सामने दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, दिख रहा है पहले वाला व्यू, ठीक है ना, इस पे आपको क्लिक करना है व्यू पे। अब दोस्तों जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करूंगा आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों की जो डेट है, मतलब ऑनलाइन आवेदन की, तो 9 अक्टूबर से दोस्तों प्रारंभ यहाँ पे, मतलब हो 9 अक्टूबर से दोस्तों यहाँ प्रारंभ आपके हो चुके हैं, और 8, ठीक है ना, आपका 8/11/2024 तक ही चलने वाले, यानी आपको यहाँ पे टाइम काफी मिलने वाला है एक मंथ का, ठीक है। यहाँ पे दूसरी दोस्तों आप लोगों का फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप लोग 10/11 तक यहाँ पर उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और एडिट करने की जो लास्ट डेट है, मतलब तो 11/11 तक आप लोग लास्ट डेट रहने वाली है, कर सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे इसका जो मेन ये खुशखबरी यहाँ पे ये है कि इसका जो कट ऑफ है दोस्तों, तो 30/9, ठीक है, कितने 30/9 को दोस्तों इसका जो कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पे जारी यहाँ पे कर दिया जाएगा, इन्होंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन कहाँ से करना है वो देख लो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाओगे आप लोग तो देखिए ये आपको देख रहे हैं दोस्तों, ये रहेंगे टोटल पद आपके, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से पद रहने वाले हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड का, ठीक है, प्रोडक्शन का, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल का, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड, ठीक है, सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रिकल का, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल का, ड्राफ्टमैन में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल एंड डी में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड केमिकल लैब में, फिर आ जाओ नेक्स्ट है स्टोर असिस्टेंट में और लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में, नर्स का, फार्मेस्ट का, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, अकाउंटेंट असिस्टेंट अटेंडेंट ग्रेड, ठीक है, मैकेनिकल में, फिटर में और अटेंडेंट ग्रेड, वेल्डर में अटेंडेंट ग्रेड, आपका ऑटो इलेक्ट्रीशियन में अटेंडेंट ग्रेड, मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल में अटेंडेंट ग्रेड, ठीक है, आपका मैकेनिकल टेंडर में अटेंडेंट ग्रेड में, ठीक है, मशीनिस्ट में, तो ये पूरे यहाँ पर रहने वाले हैं। आपका अकाउंटेंट में रहेगा और लोको अटेंडेंट, ठीक है ना, ग्रेड सर्टार्ड का रहने वाला है और OT टेक्नीशियन, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो रहेंगे यहाँ पर पद। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है अप्लाई का, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा क्लिक, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका इस तरह का ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ओनली अपना ना फुल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आपको यहाँ पर करना है, OTP आएगा, तो इस तरह आपको आगे बढ़ते जाना, मतलब यहाँ से करना आपको अप्लाई मेन तरीका, ठीक है। अब इसका जो है नोटिफिकेशन देख लो, कहाँ से करना आपको डाउनलोड वो भी आप लोग देख लो, ताकि आप लोग डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बैक, और यहाँ पे जाऊँगा मैं बैक, देख लेता हूँ एक बार करके। ठीक दोस्तों, आप जैसे इसके इधर आओगे और तो यहाँ पे आपको देख जाएगा इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये देख रहा है ना, इस पर करना क्लिक। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे ये आपके सामने हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड। तो दोस्तों मेरे सामने हो चुका है यहाँ पर डाउनलोड, तो हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों ये रहेगा नेशनल NFL। अब आपको पता ही है भारत की महारत्न कंपनी में से आती है दोस्तों, और इस कंपनी का मेन जो काम होता है दोस्तों वो कृषि संबंधित कार्य करना होता है, कृषि संबंधित जैसे उर्वरक, खाद, इस तरह ये निर्माण करती बनाती, ठीक है, तो कृषि संबंधित पूरा इसका प्रोडक्शन का काम होता है। अब दोस्तों इसकी जो यूनिट है, यूनिट कहाँ कहाँ है, तो देखिए जो इसकी ये दोस्तों यूनिट है, पंजाब में आपका नागल, ठीक है, और आपका बठिंडा, ठीक है, और इसके पश्चात आपका हरियाणा में पानीपत में निकली हुई है, और मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो देखिए विजयपुर यूनिट ऑफ द स्टेट गुना मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के गुना जिले में दोस्तों इनकी मतलब कंपनी, और वहाँ पर दोस्तों विजयपुर में यहाँ पर निकली हुई है भर्ती, ठीक है। और ये जो आपका 9/10 को दोस्तों यहाँ पर ये जारी हुआ है, ठीक है, इनका नोटिफिकेशन। अब हम बात कर ले, देखिए जो अलग अलग यूनिट की भर्ती हैं, जैसे मान लो ये आपका पंजाब में आपका नागल, ठीक है, ये रहेगा तो पंजाब की यूनिट की जो भर्ती वो रहने वाली हैं, ठीक है, लेकिन अपन बात ये दूसरा रहेगा आपका बठिंडा, ये भी रहेगा पंजाब का, ठीक है। यहाँ पर आओगे लास्ट में आप नीचे, ये रहेगा आपका पानीपत, यूनिट हरियाणा का रहने वाला है, ठीक है,
नेक्स्ट आओगे यहाँ पर, ठीक है, ये रहेगा दोस्तों बीजापुर यूनिट, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश का जो गुना वाला बताने वाला हूँ मैं, ये रहेगा बीजापुर यूनिट, ठीक है, यहाँ पर। अब जिसमें कौन कौन सी देखी कितनी पद निकाल गए, जैसे हम पद की देखो यहाँ पर पद भी दिए हुए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पोस्ट कोड है, यहाँ पर आपका पद का नाम है, यहाँ पर आपकी जो पेमेंट आपको मिलने वाला है वो रहेगा, यहाँ पर जो वैकेंसी है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी बटी हुई, ठीक है, किस कैटेगरी कितने आपको ये वैकेंसी यहाँ पर जाने वाले, ठीक है, यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर आओगे तो देखिए, जैसे मान लो बताओ कर लेता हूँ, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की दोस्तों 55 पोस्ट हैं, ठीक है, सैलरी 23,000 से 56,000 तक रहेगी, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की आपके 6 पोस्ट हैं, तो आपको ऐसा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे तो देखिए, जूनियर इंजीनियर की 7 हैं, जूनियर इंजीनियर की असिस्टेंट की ड्राफ्टमैन की 1 है, एनडीटी की 1 है, जूनियर की है आपका केमिकल लैब की 4 हैं, स्टोर असिस्टेंट की 8 हैं, नर्स की 2 हैं, फार्मासिस्ट की 3 हैं, लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, और यहाँ पर आओगे तो फिटर की 5 पोस्ट हैं, वेल्डर की 1 है, और मशीनिस्ट की 2 हैं, और यहाँ पर बायोमेट्रिक में 1 है, ठीक है ना, बोरिंग मशीन की, और यहाँ पे अटेंडेंस ग्रेड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 हैं, इलेक्ट्रिकल की 7 हैं, लोको अटेंडेंट की 1 है, ठीक है। यहाँ पे आओगे मार्किंग डिवीजन की देखोगे तो यहाँ पर देखिए अकाउंट असिस्टेंट की 4 पोस्ट हैं, और यहाँ पे देखो अकाउंट असिस्टेंट W3 में 2 पोस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये पोस्ट हैं अपने मध्य प्रदेश की, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन देख लो क्या रहने वाली है। तो देखो आप लोग यहाँ पे आओगे, एज की तो बात कर लेता हूँ, तो एज तो दोस्तों यहीं पे दी हुई है आपकी, आप लोग देख लें सभी की एज बता देता हूँ मैं कि क्या ही रहने वाली है। देखिए दोस्तों ये रहेगा क्वालिफिकेशन का पूरा मैटर रहेगा, जिसमें जो एज देखिए मान लो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की रहेगी तो 18 से 30 वर्ष एज रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पर दोस्तों BSc मांगा हुआ रेगुलर आपने किया है, फिजिक्स किया हो, केमिस्ट्री किया हो, MS किया हो, तो आप लोग 55% मतलब कम से कम 55% मार्क के साथ तो आप लोग दोस्तों आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेना आप लोग तो अलग अलग जो पोस्ट रहेंगी सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस जो आपकी रहेगी एज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर लें तो सभी का पूरा यहाँ पर लिस्ट में यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग पद के लिए, ठीक है। तो क्या किसकी रहने वाली है तो आप लोग यहाँ पर देख लें, इसमें देखो 12 प्लस मांगा हुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है, इसमें भी 12 प्लस साइंस सब्जेक्ट के पास मांगा हुआ, लैब टेक्नीशियन में भी आप लोगों ने 12 किया हो, ठीक है ना, या डिप्लोमा हो आपके पास लैब संबंधित इसमें, ठीक है, या अकाउंटेंट में भी देखिए आपका BCom मांगा हुआ है दोस्तों, आप लोगों ने BCom किया हो, ठीक है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अटेंडेंस ग्रेड में देखिए 10वीं प्लस IT आप लोगों ने किया हो, अटेंडेंस ग्रेड फर्स्ट में मैकेनिकल फिटर में, तो क्या हुआ 10वीं हो और ITI हो फिटर ट्रेड से आपका कम से कम 55% अपना पास किया हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट से, तो ये उनके लिए बहुत खुशखबरी आने वाली है IT वालों के लिए, बिल्डर वालों के लिए, देखिए 10वीं प्लस IT मांगा हुआ नॉर्मली, ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये सभी की आप लोग देख लें यहाँ पर और आपको चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों जो रहेंगे SC ST वाले उनको भी जो रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे आपको फ़ीस की मेन भाई क्या फ़ीस लगने वाली है आपका ये क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फ़ीस है तो सभी की जो फ़ीस अधिकतर ये बता रहे हैं 200 रुपये, ठीक है ना, क्या लगेगी जो जितनी पोस्ट हैं ऐसा अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है तो 200+ रुपये आपको यहाँ लगने वाला, प्लस बैंक चार्ज मतलब 220 के आसपास आपकी टोटल पेमेंट यहाँ पर कट सकती है, ठीक है। यहाँ पर इसके पश्चात अब आपका जो चयन प्रक्रिया क्या होगी आपका क्वेश्चन होगा। देखिए चयन प्रक्रिया हम दोस्तों यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ पर आओगे तो और देखिए क्या क्या किस फॉर्मेट में अपलोड होना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप जब फॉर्म भरोगे मान लो डेट ऑफ बर्थ है तो जो आपका 2 MB में PDF में अपलोड होना है, ठीक है ना, मतलब जिसमें आपका 10 PA जाएगा, ठीक है, ये था, और एजुकेशन भी आपका 2 MB में, तो PDF में यहाँ पर दिए किस में क्या अपलोड होना है वो आप लोग यहाँ पर जाकर देख लो, ठीक है, क्या क्या अपलोड होना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या रहने वाली सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये रहेगा, मतलब इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होना दोस्तों, इसमें आपका होगा OMR, ठीक है ना, OMR मार्क होगा, मतलब आपको गोले फिल करना पड़ेंगे, सीट रहेगी, तो इस तरह का आपका इसमें एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, इन्होंने और OMR यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब OMR आपका होगा तो दोस्तों कहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, देखिए मध्य प्रदेश में हम बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में भोपाल रहेगा और ग्वालियर रहेगा, ठीक है, और बाकी अलग अलग राज्य के रहने वाले, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि भाई ये मध्य प्रदेश में आपको क्या रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों बाकी आपका नॉर्मल से आपका कोर्स आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन डायरेक्टली, ठीक है, हो जाएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसमें, और बाकी कुछ निर्देश भी लिखे हुए हैं आप लोग पढ़ लेना, जो निर्देश नहीं पढ़ पाए मैंने आप लोग देख लें यहाँ पर, ठीक है, सभी की जो है बता दिए।
तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी, और आप लोग देख लें आपके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, और तो आप लोग बिल्कुल आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में ज्ञान के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक्स।